आज के आज उसके माँ बाप को फोन कीजिए और कहिए आज से हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब वो जाने और उनका पापी बेटा, पापी बेटा। उमुद, उमुद बेटा, कुमुद बेटा देख ये ले चाक और मिट्टी और नहाना, मुझे बाजार जाना है, हाँ मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। कुमुद ये चाक और मिट्टी समझे नहीं विद्या भाई, सबके सामने नाक ऊंची करके प्रायश्चित तो ले लिया उसने, पर इलाहाबेन की मदद कैसे करेगा? जिसने कभी मिट्टी को छुआ भी नहीं वो उसके बर्तन कैसे बना पाएगा? आवाज ऊंची करने जितनी बड़ी हो गई है ना तू, तो फिर मुझसे क्यों सीखना चाहती है? और रही बात उस छोकरे की मदद करने की, तो मैं उस पाप में हिस्सा नहीं लूंगी। चिल्लाई नहीं थी पर उन्होंने उसे हत्यारा कहा, मुझसे सहा नहीं गया। कुमुद तेरी बात मैंने सुन ली, दुखबा की भी सुनी, बिना कोई सवाल किए एक बात मानेगी मेरी? दुखबा की ये नाराजगी सहले दिख रही, उससे कोई सवाल मत कर। बाबू, मेरे लिए बड़ी माँ से बढ़कर और कोई नहीं है, मुझे उनकी सारी नाराजगी मंजूर है बाबू, मैं उनका दिल कभी नहीं दुखा सकती, पर अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं भी तो गलत नहीं हूं ना बाबू? विश्वास करने की कोई वजह नहीं है उसके पास, फिर भी इतना विश्वास क्यों कर रही है कुमुद मुझ पे? सारे गांव वालों से लड़ी मेरे लिए, ऐसा लगा मुझसे ज्यादा वो जानती है मुझे। मैंने उसके दिल को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, फिर भी इतना सब कर रही है मेरे लिए क्यों? किस रिश्ते से? कुमुद दीदी ने बनाई है आपकी ये तस्वीर, आपका रिश्ता आने से भी पहले कुमुद दीदी ने आपकी ये आंखें सपने में देखी थी। पता नहीं जीजा जी उस झोपड़े में कैसे रहते होंगे। झोपड़े में इला काकी ने अंदर ही नहीं आने दिया, सारी रात भारी सोते रहे। क्या बाहर खुले में? वो तो दीदी कल रात को खाना लेकर गई, वरना भूखे ही सो जाते। कुसुम, हमारे जीजा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। कुसुम तो देखना, दीदी ना पूरी दुनिया से लड़ जाएगी उनके लिए। तुम दोनों का काम हो गया हो तो मेरी मदद कर दोगे? दीदी आप जीजा जी के लिए बहुत परेशान हैं। नहीं तो धुले हुए बर्तन रोज तो फिर से नहीं धोती। क्यों
ना हो चिंता, हमारे जीजाजी है ही ऐसे। मैंने तो उन्हें पहली नजर में देखते ही कह दिया था, कुछ अलग है उन्हें, है ना दीदी? चाहे वो हत्यारा ही क्यों ना हो, खोटी बात ना बोलू, हमारे यश की चिंता है किसी को यहाँ? हत्यारा खुद लोगों के सामने नहीं आता बड़ी काकी, वो मुंह छुपाकर भाग जाता। पर अपने पाप से कभी नहीं भाग पाता। सच जो भी है मैं उसे सामने लाकर रखूंगी। एक पराए छोकरे के लिए तू अपने भाई के पीछे पड़ी है कुमुद? जीजा जी पराए कहां रहे बड़ी काकी, उन्होंने बापू की जान बचाई, हमें मुसीबत से बचाने के लिए उन्होंने जो किया है वो तो कोई अपना भी नहीं कर सकता। खोटी बात ना बोलू, विद्या भाई ने सर पे चढ़ा के रखा है दोनों बेटियों को। एक छोकरे के बारे में बात करते हुए लजाना तो दूर, नजर भिड़ा के बोल रही है। कुमुद, कुसुम, बड़ों से बहस बहुत हो गई। भाभी, जितनी सरस की चिंता है उतनी यश की चिंता है हम सबको, पर हमें धीरज रखना होगा ना। हाँ हाँ, सच्ची बात। कुमारी, पूजा के लिए मुझे थोड़े से फूल तोड़ के देगी? अब मारा दिख रहा यश के लिए मैं भगवान जी से प्रार्थना कर सकती हूँ? अरे चल ना। मोटी भाभी का स्वभाव तो तू जानती है ना, फिर वो यश के लिए भी परेशान है। उनकी बातें दिल पर मत लेना, सिवाय एक बात के, सरस अभी भी इस परिवार का हिस्सा नहीं है। मुझे याद है माँ, मैं उसकी मदद सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि इला बहन और उसका परिवार भूखा ना मरे। आप ही बताइए मैं क्या गलत कर रही हूँ? करोगी क्या दीदी? मिट्टी के बर्तन बनाना तो सिर्फ दुबा बुआ ही सिखा सकती है, पर लगता नहीं कि वो मानेंगे। अब क्या विद्या भाई साहब ने अपनी हवेली गिरवी रख के आपको पैसे दिए? और कोई चारा नहीं था बुआ, तुमसे शादी करने के बाद बापू ने मुझसे घर छोड़ने के लिए कह दिया। उस वक्त अगर विद्या मदद नहीं करता तो हम यहां नहीं सड़क पर होते। मेरी जिंदगी बनाकर विद्या खुद कर्ज में डूबा हुआ है अब तक। पर आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आपने वो हवेली खरीद ली है? मैं तो उसका एहसान हमेशा से मानता आया हूँ कुमार, लेकिन वो मुझे दिए हुए पैसे को कर्ज नहीं समझता। कहीं लौटा दिया तो दिल ना टूट जाए उसका। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर, मैं किए हुए समझौते गिना रही थी आपको। आपकी पत्नी होने के नाते मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था, लेकिन विद्या भाई साहब उन्होंने तो आपको दिए हुए कर्ज को भी अपना फर्ज समझा। आज समझ में आया विद्या भाई साहब उससे बढ़कर क्यों है आपके लिए? तुमसे बढ़कर नहीं है गुमान, पर हाँ जितनी जगह तुम्हारी है मेरे दिल में उतने ही विद्या की भी। तो इंडिया से जो पैसा आता है वो किसका है? विद्या कांति भाई को हर महीने जो कर्ज की रकम भेजता है वो कांति भाई मुझे भेज देते हैं। उन पैसों से मैंने कुमुद के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। बट पता नहीं कुमार, वो बिजनेस बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो सिचुएशन ये है कि और 3 महीनों तक टर्नओवर नहीं बढ़ा तो बंद करना पड़ेगा ये बिजनेस। किसी के भले के लिए कुछ करने जाओ तो नतीजा बुरा तो नहीं होना चाहिए।